आपको अपडेट करेंगे। कराची में वायरलेस गेट के पास रिहायशी इमारत से 5 अफराद की लाशें मिली हैं। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल खान से। बिलाल बताइए, रिहायशी इमारत से लाशें मिलने के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वायरलेस गेट के करीब एक रिहायशी इमारत है, उसके फ्लैट से 5 लाशें मिली हैं जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई है और पुलिस की भाई नफीस मकाम पर पहुंची है और जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी इस मकाम पर पहुंचे हैं। पुलिस की बताई जो तहकीकात उसमें ये मालूम हुआ है कि एक शख्स ने अपने बीवी और बच्चों को जहर देकर कत्ल किया, उसके बाद खुद भी जो है वो फंदे से लटक गया है, जिसके बाद पुलिस उस मकाम पर पहुंच गई है। तमाम तर शवाहिद करने का सिलसिला जारी है, जबकि इलाका मकीनों की जानिब से यही कहा गया है कि मुतौफी ने बीवी बच्चों को जहर दिया और खुद को फंदा लगाया, जबकि मुतौफी ने खुदकुशी से कबल एक मुबैना खत भी जो है वो मिला है, जिस पर पुलिस ने जो है तहवील में ले लिया, जबकि लाशों की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जो है वो कबर पहुंची है। जो क्राइम सीन यूनिट है उसको भी तलब किया गया था, वो भी इस मकाम पर पहुंच चुका है। मुकम्मल तौर पर इबादत की जो एंट्री है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद है, तहकीकात का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल अपडेट करने के लिए।